जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। कल हम लोगों ने टॉपिक सारे कवर कर लिए थे और एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू ओवर वन प्लस एम वन एम टू। अब बेटा हम एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज 10.1 exercise. What is written there in the first question? Very easy. हाँ जी, draw a quadrilateral in the Cartesian plane. आपको भी पता Cartesian plane में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है x axis और y axis draw करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि draw कीजिए, बिल्कुल 10th class का काम, even 9th class का काम जिसमें हम draw करते थे। तो मेरे पास जो है माइनस जो है 1, 2, 3, 4, 5 और इधर से माइनस 1, -2, -3, -4, -5 -4.5 और 5 कहाँ आएगा, ऑब्वियस है y एक्सिस पे। एक पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट इसने कहा 0.7, ये पॉइंट हो गया 0.7 ऊपर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करने लगी हूँ। ये पॉइंट हो गया 0.7 और 5, -5 -1, -2, -3, -4, -5 जो है ये पॉइंट हो गया। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज -4, -2, ये लीजिए। अब इन सबको ज्वाइन कर दीजिए, ये ड्रॉ हो गया। अब उसने क्या कहा है कि ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। बेटा टेंथ में आपका एरिया जो था वो क्या था, टॉपिक डिलीट था, तो यहां पर मैं एरिया का एक बार आपको कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर बता देती हूँ। हम दो मेथड से कर सकते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लगा सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर भी लगा सकते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है तो बेटा उसमें हमारे पास क्या होगा, मैं इसको ज्वाइन करूंगी और क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने के लिए दोनों एरियाज को क्या करूंगी, एड करूंगी, या डायरेक्टली भी मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर लगा सकती हूँ। वो क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का, देखिए हाफ पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ मेरे पास जो है उसका क्वाड्रिनेट, नॉट क्वाड्रेंट, क्वाड्रिनेट दैट इज, और फर्स्ट को रिपीट कर दो। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करना है मींस हाफ मेरे पास x1 y2 - x2 y1, फिर प्लस नेक्स्ट मेरे पास x2 y3 - y2 x3, फिर प्लस x3 y4 + y3 x4 मेरे पास, फिर प्लस इसको इसके साथ x4 y1 - x1 y4, ये सारा का सारा कोर्स। ओके, इसे हम इजीली सीधा ही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यूज करके फॉर्म वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सारी चारों के चारों क्वाड्रेंट्स की वैल्यू दी मेरे पास, वर्टिसेस की यहाँ वैल्यू लिखी है, फर्स्ट वन को रिपीट। अच्छा डजंट मैटर आप फर्स्ट किसको ले रहे हो, सेकंड किसको ले रहे हो, थर्ड किसको ले रहे हो, हम नॉर्मली बच्चों को ये कहते हैं जो सबसे पहले दिया ना उसको ही x1 y1 लेना, जो सेकंड में दिया है उसको x2 y2 लेना, जो थर्ड में दिया है उसको x3 y3 लेना, ऐसे ही फोर्थ वाला फोर्थ में, सीरियल ऑर्डर में चल के जो भी है। अच्छा अगर बाय चांस एरिया नेगेटिव आता है घबराना नहीं, इस सारे के बाहर क्या होता है, मॉड होता है। रीजन क्योंकि कई बार होता है कोई क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ में कोई पॉइंट लाई कर गया, तो जिसके कारण वो एरिया कई बार नेगेटिव भी आ जाता, तो ये नहीं सोचना कि एरिया नेगेटिव कैसे, आप क्या करोगे आंसर में हमेशा मॉड, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता भी है तो नेगेटिव को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, मैग्नीट्यूड लेना है, मीन्स 24, 36 ऐसे। ओके जी, बात समझ आ गई, हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला बता दूं, क्वाड्रेंट आपके पास क्वाड्रिलेटर की जगह ट्रायंगल भी तो आ सकता है। अब ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, थ्री वर्टेक्स होते हैं, फर्स्ट को रिपीट कर दो, करना वैसे ही, इसको इससे माइनस इसको इससे, इसको इससे माइनस इसको इससे, इसको इससे माइनस इसको इससे, बीच में प्लस आता है। अच्छा अगर आपको ये नहीं भी पता, देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, x1 से हमेशा x1 से स्टार्ट करना, अगर x1 लिया तो y2 अगले का, y कोऑर्डिनेट सेकंड का, बीच में माइनस, इनके बेसिस चेंज हो जाए, x2 y1, फिर प्लस, यहां x1 था अगला किससे करेंगे, x2 से, 2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस, ये इंटरचेंज हो जाएगी पोजीशन, प्लस फिर x3 फिर x4, फॉर्मूला बना लो अगर वो नहीं बना, वैसे वो बना के ज्यादा इजी रहता है, वैल्यूज लिखो क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, चले आगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ड्रॉ करने वाला है, आप ट्राई करना, मैं जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने लगी हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क है। हाँ जी बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1, y1, x2, y2, if पहला पार्ट दिया है PQ parallel to y axis, आप खुद सोचिए अगर PQ मेरे पास जो है ये x axis y axis, PQ जो है वो y axis के parallel है, यानी ऐसे हो गए कहीं, यहां पॉइंट कहीं पे x2 y2 होगा, यहां पॉइंट कहीं पे मान लीजिए मेरे पास x1 y1 होगा, तो आपने डिस्टेंस निकालना PQ में, अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा, सेम होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्लियरली एफ इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, देयरफॉर x1 equals to x2, so therefore distance PQ क्या हो जाएगा, y2 minus y। अब बेटा मैंने y2 को बड़ा माना, ये जरूरी तो नहीं है कि y2 वाला पॉइंट ऊपर ही हो, it is not necessary, हमने डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो that's why we put mod here, okay जी, clear। अगर यही मैं बात करती, second part है, second PQ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसे आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, तब क्या सेम हो जाएगा, वाई एक्सिस सेम, तो दैट मींस इसका डिस्टेंस सिंपल क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, समझ आ गई बेटा, ओके जी, चलो आगे, कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर जो गए फोर्थ, दैट इज वेरी इजी, यू हैव ऑलरेडी डन इन द टेंथ क्लास। हाँ जी, मेरे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मेरे पास जो है एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसा होता है, एक्स कॉमा जीरो, तो उसने कहा कि कोई भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लीजिए विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7.6, 3.4, बहुत इजी, कर सकते हो कि नहीं, ये तो टेंथ का ही काम है, बिल्कुल जी, मार्क इज पी ए बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, एक्स माइनस सेवन होल स्क्वायर जीरो माइनस सिक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे नहीं लगता मुझे ये करवाना चाहिए था, थ्री माइनस एक्स या एक्स माइनस थ्री और जीरो माइनस फोर का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हो जाएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, पक्का चलूं आगे, चलिए कम टू नेक्स्ट, अब हमारा मेन काम शुरू हो रहा है जो हमने लर्न किया था स्लोप का। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन यू सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा, मेरे पास जो है क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू, एक लाइन की स्लोप लिखनी है
जो ओरिजिन से पास कर रही है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द, और कहां से पास कर रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0, -4 और 8, 0। मैं एक बात बता दूं इन क्वेश्चंस की, अगर फिगर बना के क्वेश्चन करोगे ना कभी मिस्टेक नहीं होगी, नेवर एवर, ऑलवेज ड्रॉ द फिगर एंड कंक्लूड व्हाट यू वांट टू गेट। उसने कहा कि मुझे ऐसी लाइन की स्लोप लिखनी है, मुझे इस लाइन की स्लोप लिखनी है जिसका एक पॉइंट ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट, यानी ये बता। अब बेटा सबसे बड़ी बात है मेरे पास कि स्लोप निकालने के लिए मुझे कम से कम या तो एंगल पता चलता है या क्या पता चलता है, दो पॉइंट्स पता चलता है। दो पॉइंट्स पता चलेंगे तो स्लोप क्या होती है, y2 - y1 over x2 - x1। हमने स्लोप जो है तीन मेथड से कैलकुलेट करनी सीखी है। कौन कौन सी सीखी थी कल? टू पॉइंट फॉर्म, एंगल फॉर्म, और अगर इक्वेशन दी है ax + by, अगर इक्वेशन दी है ax + by + c = 0 तो यहां से माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई। तीन तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं, पहली टेन थीटा, सेकेंड ये, थर्ड y2 - y1 over x2 - x1। ओके जी, तीन फॉर्म से, ठीक है। हमने देखना है हमें कौन सा सूट कर, हमें कौन सा सूट किया यहाँ पर, टू पॉइंट फॉर्म वाले ये। तो अब मैं स्लोप कैसे निकालूंगी, निकालने के लिए मुझे सेकंड पॉइंट चाहिए, पहले क्या करूंगी, मिड पॉइंट कैलकुलेट। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय टू, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो मेरे पास 0 + 8/2 = 4, -2। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, स्लोप कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, y2 - y1 over x2 - x1, आंसर कितना आया, -1/2। काम खत्म। ओके जी, हाँ जी, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, उसने कहा विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अरे बेटा ना भी लिखा होता, अब इतना टाइम नहीं है कि हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में सीधा हम चेक करें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। टेंथ तक हम क्या कराते थे, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम। अब हम स्लोप को यूज करेंगे। मेरे पास जो है 6th क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कम से कम क्या वो एक ही, दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो राइट एंगल, क्योंकि बनता ही राइट एंगल में एक 90, बाकी तो जो है 90 से छोटे ही होंगे, 100% होता है कि नहीं होता, पॉसिबल नहीं है ना 90 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि 90 से ज्यादा हो गया फिर तो सम ही 180 से ज्यादा हो गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब बेटा मैंने स्लोप निकालनी है पहले इन दोनों की, है ना। तो मेरे पास जो है स्लोप, आप चाहे ए बी सी, स्लोप ऑफ ए बी, हाँ जी, 5 - 4 over 3 - 4, आंसर कितना आया, -1। हाँ जी, स्लोप ऑफ बी सी मेरे पास -1 - 5 over -1 - 3 - 6/-4 जो है 3/2। हाँ जी, स्लोप ऑफ ए सी मेरे पास -1 - 4 - 1 - 4 - 5/5, आंसर इज 1। क्लियरली स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी 1 - -1, आंसर -1 आ रहा है, दैट मीन्स ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एज दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो 100% वो क्या बना रही होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके जी, क्लियर, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, 7th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज गिवन इन द 7th क्वेश्चन।
हाँ जी बेटा, अब सेवेंथ क्वेश्चन में मेरे पास हो गए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब प्लीज बेटा ये ध्यान से क्वेश्चन को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अंडरलाइन कर लीजिए। उसने कहा कि एक लाइन y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक इधर को घूमती है, इधर को नहीं उल्टा, तो यानी पॉजिटिव y ऊपर है, इसके साथ ये एंगल दिया हुआ है मुझे, ओके कितना एंगल दिया है, दे हैव मेंशन दैट इज 30 डिग्री, और मुझे कहा गया है बेटा फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। अरे स्लो एंगल की बात हो रही है, कोई पॉइंट की बात ही नहीं हो रही है, तो 100% एंगल वाला ही लेंगे ना। हाँ जी, अब जो हम स्लोप लेते थे, हम एंगल कैसे कैलकुलेट करते थे, टैन ऑफ एन, वो एंगल क्या होता था, कहां से होता था, एक्स एक्सिस से मेजर करते, यानी 30 ये दिया है, हमें ये पूरा एंगल चाहिए, यहां तक 90 है, ये 30 है, एंगल क्या हो गया 120, तो थीटा इज 120 डिग्री, देयरफॉर स्लोप इज टैन 120, दैट इज 180 माइनस 60, लिख सकते हो कि नहीं, क्या आ जाएगा माइनस टैन 60, और टैन 60 की वैल्यू √3, तो -√3, ओके जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, एनी डाउट टू एनी वन, यू कैन आस्क मी बेटा, चलो आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड कीजिए। टैन 180 माइनस थीटा, बेटा ट्रिग्नोमेट्री आ जाओ, जब हमारे पास 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो दैट्स व्हाई माइनस टैन थीटा, थीटा था 60, तो इसी, ओके जी। हाँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एमसीक्यू में, कि क्योंकि ये डायरेक्शन उल्टी थी, इधर को एंगल मेजर किया था, तो वो पता ही है कि नहीं नेगेटिव आएगा ये, ओके जी। तब मेरे पास ये देखो, ये 60 था ना, क्योंकि एंगल हमेशा हम एक्स एक्सिस वाला लेते हैं, तब टैन 30 नहीं लेना, ये 30 है तो ये 60 हुआ, बट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो नेगेटिव लग गया, और टैन 60 की वैल्यू √3, अगर आपने डायरेक्टली निकाल, ओके जी, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। यस मयंक बेटा, यस बेटा मयंक, अनम्यूट योरसेल्फ। हां जी बेटा, मयंक आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू, मयंक बेटा, ओके यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम बेटा, जस्ट लो योर हैंड एज आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू। हाँ जी चलिए बेटा, हाँ जी मयंक, यस बोलिए बेटा, मयंक बोलिए बेटा, चलिए, हाँ जी बेटा, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ बेटा, वेरी इजी, एट्थ क्वेश्चन इज देयर, इट इज गिवन इन द एट्थ क्वेश्चन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ जी बेटा, एक्स कॉमा -1, 2, 1 और 4, 5, अगर बेटा ये कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन पे लाइक करते हैं, तो दैट मीन्स इनकी स्लोप ए बी सी, इनकी स्लोप क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इनकी स्लोप अगर सेम होनी चाहिए साथ में, स्लोप सेम होने का डजंट मीन्स कि वो कोलिनियर होता है, वो पैरेलल भी तो हो सकते हैं, है ना, बट क्योंकि ए बी की स्लोप देख रहे हैं बी सी से, एंडिंग ऑफ द फर्स्ट इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड,
तो दैट मीन्स 100% वो क्या होंगे, कोलिनियर ही होंगे, ठीक है जी। तो इसीलिए मैं स्लोप इक्वल कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्लोप ही एबी और बीसी की ले रही हूँ। तो मैंने स्लोप ली, मार्क कर दो ए बी सी, तो ए बी मेरे पास हो गए, वो किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ ए बी 1 + 1 2 - x। हाँ जी, स्लोप ऑफ बी सी दैट इज 5 - 1 4 - 2 4/2 2। हाँ जी, 2/2 - x। हाँ जी, तो मेरे पास हो गए, यहां पर स्लोप इक्वल करो 2/2 - x दैट इज 2 2 2 कैंसल, 2 - x इज 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, दैट इज 9th क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9th। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th में मेरे पास क्या दिया हुआ है, अगर आप देखिए व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 9th, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट, मेरे पास हो गए -2 - 1 4 0 3 3 and -3 2। ये मेरे पास क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना, तो अगर ये, हाँ जी बिल्कुल जी, पैरेलल भी होती है इक्वल भी होती है, हम स्लोप इक्वल कर दें बड़े, पर दोनों पेयर्स का करना है, आप एक पेयर का करके छोड़ दोगे तो श्योर नहीं है, वो ट्रेपीजियम भी हो सकता है ना, तो इन दोनों की स्लोप किसके और इन दोनों की स्लोप इक्वल होनी चाहिए, तो तभी ये पैरेललोग्राम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, दोनों पेयर्स। बात समझ आ गई बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चले आगे, पक्का जी, चले नेक्स्ट। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। अब हमें क्या चाहिए, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो क्या चाहिए, दोनों की स्लोप चाहिए ना, क्योंकि दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, टैन थीटा m1 - m2/1 m1 m2। आई नीड स्लोप ऑफ बोथ लाइन। उसने कहा एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन ये कितना एंगल बना रही, बेसिकली देखा था ना, अगर मैं सीधा ही स्लोप निकाल लूं एक लाइन की वही एंगल होगा, बट हम प्रॉपर मेथड से करेंगे कि हमें अगला भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। तो मेरे पास जो है एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी होती है, बता सकते हो भाई, एक्स एक्स 0, रीजन स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस टैन ऑफ एन एंगल। अब मुझे बताओ जो एंगल लेते हैं वो एक्स एक्सिस के साथ ही, एक्स एक्सिस अपने साथ ही कितना एंगल बनाएगी, 0 ही बनाएगी, तो टैन ऑफ 0 0। अच्छा अगर मैं कहती वाई एक्सिस की स्लोप बताओ, 99 जो है टैन 90, एंगल 90 होता है, दैट इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है, ठीक है जी, 1-1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब ये हो गया जो है मेरे पास स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ये और स्लोप ऑफ ए बी, हम इसको ए बी मार्क कर देते हैं, y2 - y1/x2 - x1 - 1/1 आंसर इज 1 - 1। अब ये m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, ओके जी। अब बेटा मेरे पास मैं फॉर्मूला लगाने लगी हूं, tan ऑफ थीटा मॉड 0 + 1 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, दैट इज 1, tan थीटा इज π/4। नॉर्मली बच्चे यही छोड़ देते हैं, मैंने कितनी बार आगे भी बताया था, दो एंगल्स होते हैं दो लाइंस के बीच में इंटरसेक्ट करने के, कैसे, ये लाइन है मान लीजिए, एक एंगल ये भी है और एक एंगल ये भी है, कल भी हमने बताया था जब ये हम थीटा लेते हैं ना
तो यहां पर मॉड का मतलब ही प्लस माइनस का मतलब यही है। मॉड लेते हैं हम, एक्यूट एंगल एक कैलकुलेट कर लेते हैं, और दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं, 180 माइनस दैट एंगल, या हम पॉजिटिव एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं अगर एक्यूट नहीं भी कहना तो। हम पॉजिटिव एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं और दूसरा एंगल 180 माइनस करके, एक 45 है एक 180 माइनस 45। ओके जी, हो जाएगा। चलो आगे, दोनों एंगल्स लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, एक एंगल भी छूट गया तो नंबर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा। मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 11, सेम उसी पर बेस्ड। मैंने कल भी जब फॉर्मूला करवाया था ना, ये मैंने लास्ट में ये बात बताई थी, अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल दिया है और एक की स्लोप दे दी है और दूसरे की स्लोप कैलकुलेट करने को कहा है बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूले में मॉड होता है ना, तो हम हमेशा मॉड हटाते हैं जब, तो दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाता है, प्लस माइनस, वो जरूर कंसिडर करना, यानी उस पर बेस्ड माइट बी हमारे दो आंसर आए तो हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट, अगर कुछ कंडीशन ना दिए। अगर कोई कंडीशन दे दी है कि हाँ जी स्लोप इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो हम दूसरा केस नहीं लेते, अदरवाइज हम जो है दोनों के दोनों केसेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो लेट अस सी कि क्या दिया हुआ है इन क्वेश्चन नंबर मेरे पास हो गए 11th में। इफ यू सी द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अ अनदर लाइन, एक लाइन की जो स्लोप है ना वो डबल है दूसरे से, यानी एम टू इज टू टाइम्स एम वन। ठीक है, अब उसने क्या कहा, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब सीधा टेन थीटा दे दिया 1/3, और उसने कहा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, मुझे एम वन भी निकालना है मुझे एम टू भी निकालना है। वेरी इजी, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, एम वन माइनस। यहां पर एक चीज मैं आपको इजीली बता दूं, वैसे फर्क कोई नहीं पड़ता है, बेटर होता है हम एम वन को बड़ा लेते जो पहले, क्योंकि आपने एम टू को बड़ा लिया ना, यू जस्ट पुट हियर एम टू माइनस एम वन, फर्क कोई नहीं पड़ना, मैं जस्ट फॉर योर से काम से डजंट मैटर, वो नेगेटिव होगा मॉड उधर जो पहले प्लस माइनस है वो माइनस प्लस हो जाना और कुछ नहीं हो। ठीक है, तो जस्ट फॉर द एक कह लो कि सिमेट्री के लिए, हाँ जी इसकी वैल्यू 1/3, अब ये मॉड हटाऊंगी प्लस माइनस और मैं वैल्यू पुट कर रही हूं किसकी, एम टू की, अर्शदीप 2m1 माइनस m1 ओवर 1+, मेरे पास जो है m1 एज इट इज 2m1। ओके जी, अब सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस 1/3, मेरे पास क्या हो गया m1 ओवर 1+ 2m1 स्क्वायर। ठीक है जी, एक बार प्लस करके निकालो एक बार माइनस। अच्छा कई बार पता क्या होता है, एक चीज रिजेक्ट ही हो जाती है, कैसे सॉल्व करते करते ना, मान लो कहीं पे m1 स्क्वायर की वैल्यू ऐसे आ जाए, इज इट पॉसिबल, या ऐसे आ जाए, इज इट पॉसिबल, वही वो केस रिजेक्ट हो जाता है। ओके जी, वही वो केस रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे या एक एक्सेप्ट हो जाएगा, जितने भी एक्सेप्टेबल केस। क्लियर, चलू मैं बेटा आगे, कोई डाउट बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट, कोई डाउट नहीं बेटा किसी को भी, चले आगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट बेटा। हाँ जी, मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इजी स्ट्रेट लाइन, ऐसा टॉपिक है अगर आप फॉर्मूले एक पेज पे लिख लो ना और एक बार आपको पता चल जाए चलना कैसे है, तो आपको लाइफ लॉन्ग ये चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, अ लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, एक लाइन जो है दो पॉइंट से पास कर रही है, x1 y1 एच के, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन, अगर मेरे पास लाइन की स्लोप m है तो
तो उन्होंने कहा कि शो करो दिस इज ट्रू, वेरी इजी। अगर एक लाइन पे दो पॉइंट्स दिए हैं, कैन वी कैलकुलेट स्लोप? कैसे? y2 टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। मैं वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करने लगी हूं। स्लोप y2, अब ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है, तो दैट मींस k माइनस y1 ओवर h माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m मेरे पास हो गए, m चेक करना बेटा मैंने कोई मिस्टेक कर दी, यहां h होगा प्रूफ करने में। ओके हां जी, h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1, यही प्रूफ करना था। ओके जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चले बेटा आगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वेरी इजी मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने फिर वही कहा है, थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन। अगर थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन है तो व्हाट डज इट मींस? कि वो कोलिनियर है। हम कोलिनियर के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं, आगे जब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लोगे ना तो वहां से भी ये कर सकते हैं, अगली एक्सरसाइज पर बेस्ड। बट मैं अभी कोलिनियर के कॉन्सेप्ट से आपको करवाऊंगी, क्योंकि हमने इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड अगर करना है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, थ्री पॉइंट्स मेरे पास, एच कॉमा जीरो, ए कॉमा बी, जीरो कॉमा के। ओके बेटा, कॉन्सेप्ट लीजिए कोलिनियर का, और मुझे प्रूफ करना है ए बाय एच प्लस बी बाय के इक्वल्स टू वन। ओके जी, अब बेटा देखिए व्हाट आई एम गेटिंग हियर, मार्क दिस ए बी सी, स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ ए सी के, है कि नहीं? तो अब ए बी की स्लोप निकालें, बी माइनस जीरो ओवर ए माइनस एच। हाँ जी, ए सी की, अच्छा आप ए बी की ले लो, बी सी की ले लो, बेटर है हम बी सी की लेते हैं, टेंशन फ्री रहेंगे। हाँ जी, मेरे पास वो है के माइनस बी जो है ओवर जीरो माइनस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू ए माइनस एच इंटू के माइनस बी। ओपन कर ले बेटा, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, हाँ जी ए के माइनस ए बी, हाँ जी माइनस एच के प्लस एच बी। अब आगे क्या करना है बेटा, सारी टर्म्स को इकट्ठी करके जहां कांस्टेंट है ना मेरे पास जो, वहां पर जो है उसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट व्हाट एवर यू वांट। ओके, वी विल मीट टुमारो सेम टाइम। ओके जी,